नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में, कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। यहाँ पे हमने ये दूसरा ऑनलोड कर लिया है, जीवन प्रमाण। उसके बाद आपको टाइप करना होगा जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण जैसे ही आप टाइप करेंगे ना, यहाँ पर ये देखिए, ये वेबसाइट आ जाएगा जो हमने यहाँ पर खोल रखा है। अब ये वेबसाइट आ जाएगा, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें आपको ये डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए किसी कस्टमर को ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र देना है, तो आप अपनी मेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे कैप्चर डालेंगे, यहाँ पे से एग्री करेंगे, तो ये आपका एक लिंक भेज देगा अपने मोबाइल पे। अगर आप मोबाइल पे करना चाहते हैं, अगर कंप्यूटर पर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ये कर दिए क्लाइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, ठीक है, ये यहाँ से सीधा डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसमें क्या करना होगा, आपको किसी भी कस्टमर का आप ऑनलाइन यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट बना करके उसके, जब आप लाइफ सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट होने के बाद, अगर यही लाइफ सर्टिफिकेट आपको निकालना होगा, तो आपको इस कमांड में जाना होगा। ये कमांड आपको मैं दिखाता हूँ बहुत इजी प्रोसेस में। यहाँ पे जब जाएंगे ना, जैसे आपको तो ये वाले बटन पर पेंशनर लॉगिन पर क्लिक करना है। पेंशनर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी प्रमाण आईडी है उसका, जो अभी आपने जीवन प्रमाण की वेबसाइट से किया है, यहाँ पर वो डालेंगे। यहाँ पर एक कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद इस पर एक ओटीपी सेंड करना है। ओटीपी आपके जो भी नंबर आपने जब प्रमाण आईडी जमा करी है, तो जो भी नंबर आपने दिया है उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है लास्ट में, फिर सबमिट कर देना। फिर आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा, लाइफ सर्टिफिकेट, जैसे मैंने यहाँ किसी कस्टमर का डाउनलोड किया हुआ है, देखिए डाउनलोड हो गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले करा हुआ है इसी को, तो आप डायरेक्टली इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गया, ये देख रहे ना आप, 4/3/2023 को किस टाइम में किया है, कितने सेकंड पे किया है, ये सारी डिटेल आपको इस पे दिख जाएगी, ठीक है। कौन से बैंक में इनका पैसा आता है, कौन से मोबाइल नंबर है, इनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल आ गई। तो इस तरह किसी का लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं इस वाले वेबसाइट से, ठीक है। इसमें एक बेनिफिट और भी है, अगर आपको CSE सेंटर यहाँ पर पता करना है, तो आप यहाँ पर ये भी आप अपने नज़दीक में जो भी आपका CSE सेंटर है, आप यहाँ पर लोकेशन डालेंगे, ठीक है, ये आप अपना स्टेट डाल दीजिए, जो भी स्टेट है आपका, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। फिर इसमें आपका जो भी वहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्टली इसको सर्च कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से आप अपने CSE को सीधी सर्च कर सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। तो आपको पता लग गया किस तरह आप इसमें CSE को सर्च कर सकते हैं, अपने वेबसाइट पर अपना रजिस्टर कर सकते हैं, या आप किसी का जीवन प्रमाण पत्र, ये लाइफ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, जिनको पेंशन मिलता है, उन सबको ये कराना अनिवार्य होता है। साल के दिसंबर मंथ में ये आपको पढ़ाना पड़ता है जीवन सर्टिफिकेट। ये बहुत इम्पोर्टेंस है उनके लिए जिनको पेंशन मिलता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो और भी देखने के लिए, टेक्निकल नॉलेज।